students, I'm here again to teach you maths. See, from your book of pearls. And what we were doing? We were revising first chapter whose title is revision. Hello? And we have seen lot of questions also earlier. We have solved question A, B, C, D, E. And now we will solve multiply and divide today. Or may I tell you some of subtraction? No, subtraction I have told you. Now multiply. Exercise G. That is multiply. First question of G is 437 multiplied by 70. So, have you seen students, I had given you homework of learning tables up to 17. तो अब आप फोर्थ में चले गए, अगर आपको 17 तक टेबल्स नहीं आ रहे तो आप जल्दी से उनको लर्न कीजिए, क्योंकि टेबल्स अगर आएंगे आपको तो आप बेसिक ऑपरेशन सॉल्व कर पाएंगे. बेसिक ऑपरेशन कौन से हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. आपको इनको हमेशा ही सॉल्व करते रहना है, क्योंकि अगर ये एक्यूरेट है तो आपके आगे के सोल्यूशन एक्यूरेट रहेंगे. इनको बेसिक ऑपरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जरूरत आपको आगे चलने वाले सारे क्लासेस में जरूरत पड़ने वाली है. अंडरस्टूड? सो 17 का टेबल आपको लर्न हुआ है, ये समझकर अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना. 17 का टेबल आपको लर्न हुआ है, इस बेसिस पर हम ये सॉल्व करेंगे. तो 17 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ना है. 17 7 जा 119, या फिर आपको नहीं आ रहा है तो साइड में से 17 मल्टीप्लाई बाय 7 कीजिए. 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 प्लस 4 11, आया ना 119. तो इस 119 का आपको सिर्फ 9 मतलब यूनिट नंबर लेना है और 11 को कैरी करना है. ओके, देन 17 3 सा 51, 17 3 सा 51 प्लस 11, 51 प्लस 11 62. 62 का आपको 2 लेना है एंड 6 विल गो इन कैरी. ओके, फिर 17 4 सा 68 प्लस 6, 68 प्लस 6 74, 68 प्लस 6, 8 प्लus 6 14, carry 1 74. So the answer is this 7429. अब अगर आपको 17 का टेबल नहीं आता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ. बट आपके लिए जरूरी है, चूंकि आप क्लास फोर्थ में चले गए हैं तो आपको 17 का टेबल आना ही चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो अभी खाली समय है, आप उसको जरूर यूज कीजिए टेबल्स लर्निंग में. नाउ 437 मल्टीप्लाई बाय 17, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे. 1 by 1 पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आपको सिर्फ 7 पर फोकस करना है और सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करना है. 7 7 सा कितना होगा? 49, कैरी 4. ओके, देन 7 3 सा 21 प्लस 4 25, कैरी 2. देन 7 4 सा 28 प्लस 2 30. अब इसके नीचे आपको एक स्टेप का जीरो लेना है. अब 1 से आपको सॉल्व करना है, इन कैरीज को कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज ये आपको डिस्टर्ब करेंगे. 1 7 7, 1 3 3, 1 का टेबल कितना आसान है ना, वही प्रोडक्ट मिलता है आपको, जिस नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम नंबर मिलता है. सो 1 3 3, 1 4 4, नाउ एड देम. अब हमको इसको एड करना है, इट इज 9, 5 प्लस 7 12, कैरी 1, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 4 7. ओके, सेम आंसर आया. बस यहाँ पर आपको 17 का टेबल लर्न नहीं है इसलिए हमने ऐसा किया, और यहाँ पर आपको 17 का टेबल लर्न है इसलिए हमने डायरेक्ट उसको 17 से मल्टीप्लाई किया. बट रिमेम्बर दैट यू हैव गॉन इन क्लास फोर, यू मस्ट लर्न द टेबल्स अप टू 17 18. ओके, नाउ लेट मी क्लीन दिस.
सॉल्व करते समय इधर उधर नहीं देखना है, टीवी के सामने बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, अपने स्टडी रूम में जाकर अपने टेबल पर कॉन्सेंट्रेटली सॉल्व करना है, तो आपका आंसर सही निकलेगा। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं या उठ उठ के जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो आपके आंसर पूरे गलत निकलेंगे या आप लिख कर रख लीजिए। ठीक है, तो हम कॉन्सेंट्रेटली सॉल्व करेंगे फाइव। अब 35 का टेबल तो नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर्स को, फिर 3 से पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। सो 5 3 का कितना होगा स्टूडेंट्स, 15। कैरी 1, 5 जा 40, 40 प्लस 1 41, कैरी 4, 5 टू जा 10, 10 प्लस 4 40, ओके 5 plus 0 5 9 plus 1 10, इसको ऐड कर रहे हैं, दोनों स्टेप्स को ऐड कर रहे हैं, 4 plus 4 8, और यहाँ पर कैरी 1 है, 4 9 plus 1 10, इसका कैरी 1 आएगा, 1 plus 4 5, 5 plus 4 9 8 plus 1 9। ठीक है, आपका आंसर है 9905 9905। चेक कर लेते हैं सेकेंड स्टेप, 3 3 9 3 8 24, कैरी 2 3 2 6 plus 2 8, ओके सो योर आंसर इज 9905, दैट इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, वहां पर दो और क्वेश्चन दिए आपको सॉल्व करने हैं। अब हम रिवीजन में डिवाइड कर लेते हैं, रिवीजन का मतलब यही है कि आपने पिछले साल ये वाले क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, हम उसको शॉर्ट में रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, सो अब डिवाइड देख लेते हैं, एक्सरसाइज एच है डिवाइड। पहला क्वेश्चन है 4325 डिवाइडेड बाय 6। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे उतारेंगे, यहां पर 4325 डिवाइडेड बाय 6, 6 का टेबल तो सभी को आता है ना, 6 का टेबल आपको कितना पढ़ना है, देखिए पहला नंबर जो है 4 है, 4 जो है 6 से छोटा है, इसलिए आपको दो नंबर उठाना पड़ेगा 6। अब ये 43 में 6 कितने बार जा सकता है, उतना आपको टेबल पढ़ना है। ठीक है, तो टेबल पढ़िए 6 का, 43 के अप्रॉक्स जाने तक पढ़िए, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 36 6 7 42 6 8 48 6 8 48, नहीं क्योंकि 48 बड़ा हो गया, 6 7 42 क्योंकि 42 43 से छोटा है ना, तो इसमें से 1 माइनस, इसमें से 2 माइनस करेंगे, 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0। अब हम उतारेंगे 2 को नीचे, अब क्या बन गया ये नंबर 12, है ना। अब 6 का टेबल 12 आगे तक पढ़ेंगे, 2 टाइम्स जाएगा 6 2 12, अब कौन सा नंबर उतारेंगे 5 5, क्या है 6 से छोटा नंबर है ना, इसमें 6 नहीं जाएगा तो ये रिमाइंडर होगा, लेकिन जब एक नंबर उतारने के बाद उसमें डिवाइड नहीं होता है, डिवीजन नहीं होता है, तो हम ऊपर एक जीरो ले लेते हैं, तो ऊपर आपको एक जीरो लेना पड़ेगा, ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर, और ये जो है आपका कोशेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसे ट्राई करना है और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है।
और अगर नहीं समझ में आए तो आप बार बार देख सकते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड कीजिए वीडियो को और बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मम्मी पापा की हेल्प लीजिए, अंकल आंटी से पूछिए, पर समझ के जरूर रखना और सॉल्व जरूर करना है। सो होमवर्क लिखिए। Bye, students.